सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु IAS, नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर ईयर CSAT प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स, जैसा हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था टॉप 5 सीरीज की बेहतरीन 5 क्वेश्चन, इस बार थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके हमने शुरू किया है टॉप 7 क्वेश्चंस, और वो भी बिल्कुल बेसिक से, बेसिक टू एडवांस। ओके, मतलब बेसिक से चढ़ते 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 हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। मुझे नहीं पता परसेंटेज के मैं पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री कितने लेके आऊंगा, बट टॉपिक वाइज चलेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम इसको टॉपिक वाइज करेंगे। क्लियर? तो आपको क्या करना है, आपको इसको लाइक करना है, आपको इसको शेयर करना है, आपको उसका सब्सक्राइब करना है। जैसा मैंने एक वीडियो डाली थी, कौन सी वीडियो, क्लास नोट्स वर्सेस CSAT 2024 पेपर, क्या देखिए आप नहीं देखी तो प्लीज देखिए। इस वीडियो में क्या है, क्या खास है इस वीडियो में, कि मैंने दिखाया था कि क्लास नोट्स में जैसे मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसमें सिर्फ जहां 5 था क्वेश्चन में 4 है, अगर 4:25 था तो 4:24 है, सिर्फ इतना सा फ़र्क है। ये कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, बिल्कुल महीन सा फ़र्क है, 19-21 वाला बोलते हैं इसको। तो आप भी इनरोल कीजिए हमारे बैच में, और प्लीज़ 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 CSAT के डर को निकालिए। इस साल भी अच्छा खासा पेपर था, आपके पास स्टेटमेंट वाले कितने सारे क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट वाइज मैनी क्वेश्चन फॉर देयर। ओके, स्टेटमेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स हमारे पास, तो ये बहुत पॉजिटिव आपके पास इंटेंट होना चाहिए इसको करने के लिए, और उसके लिए हम हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ व्हाट यू हैव टू डू। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ये हमारा न्यू बैच है, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच वेरी सून डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड, ठीक है, जिसमें पूरा एप्टीट्यूड करवाया जाएगा, पूरी लॉजिकल रीजनिंग एंड पूरी कॉम्प्रिहेंशन। खासकर हम किस पे ध्यान देते हैं, हमारे बच्चे क्यों 100+ 110 120 मार्क्स इस बार बोल रहे हैं, रीज़न क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन बहुत डेप्थ में करवाया जाता है, बहुत एक्सपीरियंस है जो मैम करवा रहे हैं, जल्दी वो आपके साथ यूट्यूब पे भी जुड़ेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एडवांस्ड मोटिवेटेड मेथड्स होंगे, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एट 9517716 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? सो वी हैव टू सेंटर्स, हमारे दो सेंटर हैं जहां विजिट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है? हमारा जो मोहाली वाला सेंटर है उसका एड्रेस है प्लॉट नंबर C126, बिल्डिंग नंबर 2, 4th फ्लोर, फेस एट इंडस्ट्रियल एरिया। क्लियर? और जो हमारा न्यूली ओपन सेंटर है, दैट इज अभिमन्यू IAS बैक इन चंडीगढ़, द एड्रेस इज प्लॉट नंबर 7, ग्राउंड फ्लोर, पंजाब केसरी बिल्डिंग, सेक्टर 25, चंडीगढ़। क्लियर? तो ये हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन इस बैच की। क्लियर है? बेसिक से एडवांस की तरफ हम चलेंगे, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ आज के। एंड वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में सारे सारे इन्फॉर्मेशन आएगी रिलेटेड टू बैच, तो प्लीज इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए, बिकॉज CSAT ऐसा टॉपिक है जिसे आप अगर ढंग से कर लेंगे तो GS का प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि एंड में वो प्रेशर नहीं रहेगा। वाई हमारे इतने सारे बच्चे CSAT और GS दोनों पेपर अच्छे करके हैं, रीज़न क्या है, उन्होंने CSAT के प्रेशर को लिया ही नहीं, क्योंकि हमने लेने नहीं दिए, टाइमली सिलेबस कंप्लीट हुआ, टाइमली MCQs लगे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था जो समझ आएगा धीरे धीरे। चलिए प्लीज़ इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब आज हम परसेंटेज शुरू करने लगे हैं। अब परसेंटेज के बेसिक्स पहले सुन लो। आपको ये परसेंटेज की वैल्यूज याद रहनी चाहिए, आपको ये परसेंटेज की वैल्यू याद होनी चाहिए, कि अगर मैं 100% की बात करूं, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अगर मैं 25% की बात करूं, ये 1/4 आती है। ये बेसिकली आ कैसे रही है, कि अगर मैं
25% लिखूं यानी 25% हटा के नीचे के लगाओगे 100, और ये कितना आएगा 1/4 आएगा मेरे पास। मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ कि जो बच्चा नया हमारे साथ जुड़े वो जुड़ा रहे थ्रू आउट और बढ़िया से कर सके, ठीक है। 1/3 की वैल्यू कितनी होगी, 33, 1/3 पर 33.33, 37.50, इसको लिखूंगा इसमें 37 1/2%, ऐसे पेपर में लिखा आएगा, ये कैसे लिखा आएगा 33 1/3%, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3/40%, 2/5, 50% 1/2, 60% 3/5, 62 1/2%, 5/8, 66.66%, यानी 2/3, 75 3/4, 80% 4/5। ये कुछ बेसिक बेसिक वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए, क्लियर, कि 12.5% की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, ये होती है 1/8। इनका यूज हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ज्यादा, इन वैल्यूज का जो बेसिकली यूज होता है हमारे पास वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में होता है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, कुछ ऐसे लैंग्वेज में आज हम क्या कर रहे वाले हैं, आज हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, ये आपको शॉर्ट लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन इट्स बेटर बिकॉज थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दी और आंसर पूछा। तो चलो स्टूडेंट्स होपफुली ये क्लियर होगा, नोट्स अच्छे से बनाने हैं, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, ठीक है, रजिस्टर कीजिए अपने आप को, जो नंबर दिया उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हमारे साथ जोड़ के रखेंगे हमेशा टिल आपकी सिलेक्शन। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी देन बी परसेंट ऑफ 20 इज सेम एज। अब ऐसे क्वेश्चन ना दिख तो आसान सा रहा है कि हाँ बिल्कुल आसान सा, बट ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग चकरा देते हैं। मुझे क्या दिया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया, 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी दिया, मुझे क्या निकालना है बी परसेंट ऑफ 20। अब अगर ध्यान से आप इसको क्वेश्चन को पकड़ो ना तो बेसिकली पूछा गया मुझसे, मैंने भी बताया इस परसेंटेज को हटा के नीचे डिवाइड में 100 लगाओ और इंटू 20, तो ये कितना हो गया बी बटे 5 हो गया, सिंपल। मतलब मुझे बी बटे 5 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है बेसिकली, तो इसको सॉल्व करो जरा, ए परसेंट का बी परसेंट का मतलब सॉरी 20% ऑफ ए का मतलब 20/100 ऑफ ए इजिकल टू बी, ये बात दी हुई है। और जो सारे के सारे अगर आप आंसर देखोगे ना स्टूडेंट्स, वो इन टर्म्स ऑफ ए दिए हुए हैं, ऑफ ए ऑफ ए ऑफ ए, सारे के सारे आंसर इन टर्म्स ऑफ ए दिए हुए मुझे, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, देखो बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पुट कर दो 20/100, बी की वैल्यू क्या है 20/100 ए, और साथ में क्या 1/5, मुझे ये बेसिकली फाइंड आउट करना है, क्लियर। अब ध्यान से देखो, ज़्यादा कटिंग करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज पूछा है तो 5 × 20 4/100 ऑफ ए, यानी ऐसे लिख सकता हूँ, और 4% ऑफ ए। अब आपको आसान लग रहा होगा ये क्वेश्चन कि हाँ आसान नहीं था, बट सोच के देखो एग्जामिनेशन हॉल में क्या पहली बार भी पकड़ाएगा ये क्वेश्चन होता, और मैंने बड़े इजीली आपको करवा दिया, बट एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे क्वेश्चन पकड़ में अक्सर हमारे पास नहीं आते, ठीक है। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए बैच को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एट 9517771651, क्लियर। इस नंबर पर स्टूडेंट आप कॉल भी कर सकते हैं। हाँ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट इज इफ। आप देखो ये क्वेश्चन ना बड़ा चतुर चालाक सा क्वेश्चन है, इसको ये भी एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा, एक वो जो आपको बुक्स में मिलेगा, एक तरीका वो जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में चाहिए। क्या दिया है, इफ 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75 द रिजल्टेंट नंबर इटसेल्फ। मैंने माना लेट द नंबर बी के, मैंने माना नंबर है के, क्लियर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपने इफ 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, यानी 75 में आप क्या करो,
75% ऑफ के ऐड कर दो, ऑफ के आपने ऐड किया तो वो के आ गया आपने, क्लियर है, के आ गया। अब मुझे क्या करना है, 75 प्लस 75 बाय 100 ऑफ के इज इक्वल टू, ये कितना का स्टूडेंट्स मेरा 25 3 25 4, 75 प्लस 3 बाय 4 ऑफ के इज इक्वल टू के, तो 75 इज इक्वल टू k माइनस 3 बाय 4 के, और इसको मैं कैसे ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, और 4k माइनस ऑफ 3k डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 75, k बाय 4 इज इक्वल टू 75, k कितना आ गया मेरे पास 300। ये वो तरीका है जो आप अक्सर किताबों में देखेंगे, जो आपको बुक्स में मिलेगा। अब मैं आपको वो बताऊंगा जो अभिमन्यु आईएएस पे करेंगे, जो हम अभिमन्यु आईएएस पे करेंगे। अब एक बात देखो, मेरा जो बैच चलता है वो थिंकिंग प्रोसेस पे चलता है। अब जरा सा इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि हमने अभी क्या सलूशन किया है, जस्ट थिंक अबाउट द क्वेश्चन। जब आपने क्वेश्चन पढ़ा आपके दिमाग में पहली बात क्या है कि 75 में क्या करना है, किसी वैल्यू का 75% जोड़ना है, और वो वैल्यू आ गई। अगर कोई वैल्यू मेरे पास 100% है, 100% ऑफ के है, तो आपने क्या किया, इसको ऐसे थोड़ा 75% ऑफ के, ठीक है, थोड़ा आपने 25% ऑफ के। अब जरा इमेजिन करो आपने क्या किया, 75% ऑफ के जोड़ा तो वो 100% के बराबर आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 25% ऑफ के, इजंट इट, यस। कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, कि आप क्या कर रहे हो, 25 बाय 100 ऑफ के इज इक्वल टू कितना, 75 25 3, तो के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है उन बच्चों के लिए जो अभिमन्यु आई ऐसे नहीं पढ़ रहे, जो क्वालिटी का नहीं पढ़। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, नया बैच जल्दी ही शुरू हो जाएगा। अगर बेसिक्स वहाँ पे छूट गया फिर पूरी साल समझ नहीं आता, फिर नए बैच का वेट कीजिए, जब आएगा। समझ आए स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको करनी है, समझ आए के बाद ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, चलें, चलिए। चलिए व्हाट परसेंटेज ऑफ 7.2 केजी इज 18 ग्राम्स, कि मुझसे क्या पूछा गया, 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, मुझसे ये पूछा गया। सिंपल करिए क्वेश्चन, कैसे करेंगे, ट्राई करिए क्वेश्चन, देखो सिंपल है। सबसे पहली बात, जब आप कंपेयर करते हो ना, तो आप सेम डायमेंशन को, सेम डायमेंशन कह लो, यूनिट्स कह लो, आप इनको करते हो। अगर मैं बोलूँ भाई कौन ज़्यादा भारी होगा, 1 लीटर पानी या 1 kg पानी, है ना, तो कंपैरिजन नहीं हो सकती है। रीज़न क्या है, यहाँ पे लीटर और यहाँ पे किलोग्राम है, इसका मतलब आपको बिल्कुल सेम यूनिट चाहिए। जैसे हम एलिगेशन में यूज़ करते हैं ना कि यूनिट्स हैज़ टू बी सेम, तो इसी तरीके से हमें यूनिट सेम चाहिए कि मुझे 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम, अगर मैं 7.2 किलोग्राम की बात करूँ, इसको ग्राम में चेंज कर लो या इसको केजी में कर लो, इसको केजी में करोगे कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ग्राम्स में कर लो, तो कितना हो गया, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 7.2 kg कितना है। कई बच्चों ने गलतियां की थी जब हमने मॉक टेस्ट लिए थे, तब मुझे क्वेश्चन करवाना पड़ा कि बेसिक्स अगर सुधरेंगे तो अच्छे से सी सेट होगा, क्लियर। तो मुझे क्या दिया भाई, 18 ग्राम 7200 ग्राम्स का कितना परसेंट है, और परसेंट के लिए 100 2 0 1/4, और ये कितना है 0.25% ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, क्लियर।
तो स्मार्ट क्वेश्चन था और इजी भी था, नोट कीजिए फटाफट ज़रा। मैं बिल्कुल ज़ीरो से करा रहा हूँ, मैं बिल्कुल ज़ीरो से करा रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता मेरे साथ जुड़िए यूट्यूब पे, सेशंस कीजिए, अच्छा लगे तो बैच ज्वाइन कीजिए, ठीक है। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एट 9517771651। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। चलिए तो व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, बट जुड़िए मेरे साथ, ठीक है। व्हाट्सएप कर दो कि मेरा फ़ोन नहीं मिलता, आउट ऑफ रीच है, या मैं लेक्चर में हूँ नहीं उठा पा रहा फ़ोन, तो आप सिंपल जेंटल एक हेलो लिख दीजिए, आई विल कॉल यू बैक, मेरी टीम आपको कॉल कर लेगी अपने, क्लियर है। चलिए चलिए नेक्स्ट इज इफ एज हाइट इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी। इस बार आया था क्वेश्चन, इस बार परसेंटेज का ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, आने वाले सेशंस में करवाऊंगा वो क्वेश्चन भी मैं कि ए क्या है 40% लेस है बी की हाइट का, तो बताओ हाउ मच परसेंटेज बी हाइट इज मोर देन दैट ऑफ ए, कि बी की हाइट कितनी ज़्यादा है ए की हाइट से, बताइए। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, देखो इफ ए's हाइट इज 40% लेस देन बी's हाइट। अब देखो सबसे पहली बात, आपको सिंपल सिंपल 40 दिख रहे हैं ए रेशो बी, कि बी अगर 100 है तो ए कितना आ गया, 60 आ गया, ऑब्वियसली 40% कम है, 100 लिख लिए। बट एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये डाटा ऐसे आ गया 14.7%, 16.3%, जब क्या किया जाएगा, फिर तो आप नहीं माइनस कर पाओगे 100 में से, फिर तो कुछ ना कुछ आपको अलग करना पड़ेगा, वही अलग की बात बताऊंगा। अब देखो ये बेसिकली आया कितना आपके पास, 20 60 और 20 50। क्या ये स्टूडेंट्स मेरे पास 3:5 आया, यस सही, यस यस, ये 3:5 आया। अब इसको मैं परसेंटेज के टर्म्स में कैसे लिखता हूँ, देखो अगर मैंने लिखा 40% वैल्यू बिकम्स 40/100, 20 2 40, 20 50 40% की वैल्यू 2/5 हुई, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बताने वाला हूँ, कि अगर 5 है ना, 5 का 40% 2 होगा। एक बात याद रख लो अगर नहीं समझ आता ऐसे, कि अगर मेरे पास ए रेशो बी है, एक बात याद रखो, माइनस अगर ज़्यादा है तो ऐड कर दो, अगर मोर बोला है तो ऐड कर दो, लेस बोले तो माइनस कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब यहाँ पे क्या बोले, लेस बोले तो माइनस होगा। अब जो बड़ी वैल्यू होगी, ये मेरी बेस वैल्यू है, इसको मैं क्या बोलता हूँ बेस वैल्यू, क्या बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं मेरी बेस वैल्यू, ठीक है। अगर मेरी बेस वैल्यू 5 आई है, इसको मैं बोलता हूँ ओरिजिनल वैल्यू। अब इसका यूज कैसे करना, देखो इफ एज हाइट इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी हाइट। अब किसकी हाइट कम है, ए की किस से, बी से, तो बी कंटेन करेगा ओरिजिनल वैल्यू, यानी ये क्या हो गया 5। अब कितनी कम है, ये या तो मोर है तो ऐड, लेस है तो माइनस। तो भैया 5 में से 2 माइनस करो, ये कहता 5 - 2, तो ए रेशो बी कितना हो गया मेरे पास, क्या ये 3:5 हो, यस इजंट इट, यस इट इज 3:5, क्या यही आया था। आपने परसेंटेज की वैल्यू को यूज़ करना है, 100 वाली वैल्यू को हम बहुत रेयरली यूज़ करेंगे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, हाउ मच परसेंट बी हाइट इज मोर। अब देखो बी कितना, 5, ए कितना है, तो बी की हाइट कितनी ज़्यादा है, 2। अब यहाँ पे किससे लिखेंगे, देखो मैं हिंदी में लिख के बता रहा हूँ, यहाँ पे आएगा किस से, भाई किस से, चलो हिंदी में छोड़ो, भाई हाउ मच मोर देन दैट ऑफ ए, या ऐसे लिखो दैट ऑफ ए, अगर ये नहीं समझ आता तो उसको आप ऐसे लिख लो दैट ऑफ, ठीक है। भाई बी की हाइट वो पूछ रहा है किससे कंपेयर कर रहा है, नीचे कहेगा दैट ऑफ वाली वैल्यू नीचे आई तो 2, दैट ऑफ, दैट ऑफ के साथ क्या है ए, ए इज 3 × 100%, तो 200/3% इज हाउ मच, 66.2/3% और 66.66%। इस क्वेश्चन में मेरा इतना जान लगाने का कारण सिर्फ ये था कि आपको बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर समझ आए, और आपको पता चले अगर यहाँ ऐसा समझा रहा हूँ तो बैच में कैसे समझाऊंगा,
फॉर मोर इन्फो कॉल अस एट 9517711651। कॉल कीजिए, व्हाट्सएप करो, क्लियर है? कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, बट जुड़िए मेरे साथ। मैं आपको बहुत अच्छी टेक्निक्स बताऊंगा, क्योंकि अगर हमारे करवाए हुए में से 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट, और भी मैं ढूंढ रहा हूँ कि किस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट करवाया हुआ है, विद प्रूफ लेके आ रहा हूँ आपके साथ। आप देखिए अभिमन्यु के चैनल पर शॉर्ट्स देखिए, एक वीडियो डाली मैंने उसको देखो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप इतने बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो डरना नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट इज चलिए, क्या दिया? राम सेल्स इज गुड, 25% चीपर देन सैम एंड 25% डियर देन बिट्टू। हाउ मच परसेंट बिट्टू इज गुड चीपर देन सैम? अभी ऐसा क्वेश्चन कराया मैंने, करिए, अभी ऐसा क्वेश्चन करवाया मैंने आपको, प्लीज इसको करिए। अब देखो, सबसे पहले किसकी बात की गई है? राम, इसकी वैल्यू क्या हुई 25 की, 1/4। ठीक है, 25% की वैल्यू 1/4 कर, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, राम सेल्स गुड 25% चीपर देन सैम। सबसे पहले राम एंड सैम, चीपर का मतलब कम, राम सेल्स आपके 25% चीपर देन सैम, कि सैम अगर, ये क्या बोला था हमने, ज्यादा जो आएगा 4 चीपर है कम है, तो एक माइनस कर दो, 4/3 आ गया, 4/3 आ गया, एंड 25% डियरर देन बिट्टू। अब राम की कंपैरिजन पहले किससे हो रही थी? सैम से। अब किससे हो रही? बिट्टू से। अब इस मेथड को बोलते हैं वन एट अ टाइम, याद रखना, वन एट अ, इसको मैंने नाम ऐसे दिया वन एट अ टाइम, कि एक टाइम पे एक परसेंटेज के साथ डील करना है मुझे। मैंने ये लिख दिया नंबर एक, नंबर एक में मैंने ये किया, फिर किसी बात होगी राम और बिट्टू की, राम और बिट्टू की बात हो रही है सेकंड इक्वेशन में। अब देखो, जब आप इसको प्लॉट कर रहे हो तो बिट्टू के लिए कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, तो वहाँ पे सिंपल डैश लगा दो। सेकंड क्या कह रहा है? एंड 25% डियर देन बिट्टू। अब 25% का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? 1/4 ही होता है। अब डियर का मतलब ज़्यादा, कि अगर बिट्टू के पास 4 है तो यहाँ कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, दैट्स इट। और सेकंड केस में मुझे सैम के बारे में कुछ नहीं पता, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना। यहाँ पे इसको उठा के रखिए 3, यहाँ पे इसको रखिए 5, तो ये कितना हो गया? जस्ट मल्टीप्लाई, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 20। क्लियर? अब क्या बोल रहे हैं? हाउ मच परसेंटेज इज बिट्टू गुड चीपर देन शाम? अब बिट्टू की बात कर रहे हैं, शाम की बात कर रहे हैं, सैम की, सॉरी, बिट्टू एंड सैम। अभी बताया था आपको मैंने, बिट्टू 12 और सैम कितना है? 20 है। कि हाउ मच परसेंटेज बिट्टू इज गुड चीपर देन सैम, देन सैम मतलब सैम आएगा पीछे, बिट्टू कितना 12, यानी कितने कम है? 8/20 × 100%, 20×100, 8×5 कितना हो मेरे पास? 40%, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? बी मेरे पास बिल्कुल सही आंसर है इसका। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और आप अच्छे से कर भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जल्दी ही नया बैच आ रहा है, उस बैच की डिटेल्स मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगा आज। ठीक है, किस हिसाब से हम करेंगे, जीरो से शुरू करने वाले हम, पूरा एप्टीट्यूड होगा, पूरा रीजनिंग होगा, पूरी आपकी इंग्लिश होगी उसमें, बट आपको उसके लिए पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। आप रजिस्टर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके, क्योंकि वहीं पर सारी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। चलिए, चलिए, इफ एक्स इज 80% ऑफ वाई देन व्हाट परसेंटेज ऑफ 2x इज वाई? अब करिए, करो, व्हाट परसेंटेज ऑफ 2x इज वाई, कि वाई 2x का कितना परसेंट है?
पहले तो देखो इसको छोड़ दो मिनट, इसको पकड़ लो भाई। वाई मेरे 2x का कितना परसेंट है, कुछ ऐसे निकालना है मुझे। बेसिकली व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज दिस रिलेशनशिप, एग्जैक्टली इन द क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, y अपॉन 2x इंटू 100। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग इफ x, x इज 80% ऑफ y, यानी x क्या है 80% ऑफ y है, यानी x इज इक्वल टू 8500 ऑफ y, और यू कैन से दैट x इज इक्वल टू 4/5 ऑफ y, और x बाय y इज इक्वल टू 4/5। मैं ऐसे कह सकता हूँ, यस आई कैन से दैट यस, कि अगर x 4 है तो y 5 है, तो बस यहाँ पुट कर दो 5 अपॉन 2 गुना 4 इंटू 100%। देखो अब आपके पास आंसर जल्दी कैसे मार्क होगा, ये कितना हो गया 5/8, बेसिकली 5/8 आ गया। अब देखो शुरू में आपको मैंने एक चार्ट दिखाया था, शुरू में आपको मैंने एक चार्ट दिखाया था, अगर मैं आपको थोड़ा दिखा पाऊँ तो ये वाला क्लियर, यहां पे वैल्यूज हैं 5/8 कहां दिख रहा है आपको, 5/8 कहां दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है क्या वैल्यू 62.5%, दैट इज द केस। समझ आ गई बात, ये चीजें आपको समझनी चाहिए कि अगर वहां पे मुझे 5/8 दिख रहा है, कि अगर वहां पे मुझे 5/8 दिख रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा। समझा कि बात, कि 5/8 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 62.5%। थोड़ा मैं डिफाइन करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहली बात, मैं वैल्यूज को हटवाता नहीं, मैं वैल्यूज की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाता हूँ। ये अगर मैंने 12.5% की वैल्यू निकाली, वो कितनी आती है मेरे पास 1/8। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए 5/8 की, यानी इसको किससे गुना कर रहा हूँ 5 से, तो इसको 5 से गुना करोगे कितना आएगा 62.1%, दैट इज द केस। समझा कि बात, मैंने रटवाता वैल्यू, हमारे यहाँ कोई बच्चा वैल्यू नहीं रटता, जो रटता है फिर वो समझता ही नहीं चीज़ों को, रट्टा तो मरवाते नहीं। मैं कह तो रहा हूँ इसीलिए वो सारे के सारे वैल्यूज याद नहीं होंगी, आपको समझनी पड़ती है, ऐसे समझाई जाती हैं सारी वैल्यूज। तो बैच में जुड़ोगे तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा, कुछ ऐसे ही मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। क्या यूट्यूब पर सिर्फ MCQC करा सकता हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट के लिए तो आपको जुड़ना पड़ेगा एटलीस्ट इन माई बैच। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल मी एट 9517। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करते ही आप अपने आप हमसे जुड़ जाएंगे और वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी बैच की। क्लियर है की बात, चलिए चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 150% एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 350%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 25/51, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगी मेरे पास। देखो द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 150, सपोज करो लेट फ्रैक्शन है मेरे पास पी अपॉन क्यू, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 150%, यानी पी को क्या ऐड कर दिया आपने 150% ऑफ पी, इसमें आपने ऐड कर दिया, ठीक है। क्यों में क्या किया आपने, इंक्रीज बाय 350, यानी क्यू प्लस 350% ऑफ क्यू, और फाइनल फ्रैक्शन कितनी होगी स्टूडेंट्स मेरी 25/51, क्या यू 25/51, यस बिल्कुल सही। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो, यानी पी प्लस 150/100 ऑफ पी अपॉन क्यू प्लस 350/100 ऑफ क्यू इज इक्वल टू कितना 25/51, कटिंग कीजिए 5/3, 5/2, 5/7, 5/2, यानी पी प्लस 3/2 पी अपॉन क्यू प्लस 7/2 क्यू इज इक्वल टू कितना 25/51। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स ये कितना हुआ मेरे पास 5 पी बाई टू अपॉन
9 क्यूब बाय 2 इज इक्वल टू 25 बाय 51। 5 पी अपॉन 9 क्यूब इज इक्वल टू 25 बाय 51। 5 3 17, 3 ऊपर जाएगा तो पी अपॉन क्यूब कितना आ गया, 15/17 आ गया आंसर ऑप्शन नंबर बी। बट मैं खुद नहीं चाहूँगा पेपर में आप ऐसा करो। पर्सनली अगर सनी सर की बात मानोगे, अभिमन्यु आईएएस की पूरी टीम की बात मानोगे, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे पेपर में आप इतने बड़ी कैलकुलेशन पे जाओ। तो क्या करना है पेपर में, कुछ अलग करना है, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ करके दिखाता हूँ आपको मैं, इतने से स्पेस में ही। देखिए अब ध्यान से देखो जरा, देखो मुझे क्या दिया, पी को कितना बढ़ाया, 150। 150 बाय 100 का मतलब पी प्लस 1.5 पी अपॉन क्यू प्लस 3.5 क्यू, और ये कितना हो गया, देखो पॉइंट से पॉइंट ये कितना आएगा, 2.5 पी अपॉन 4.5 क्यू, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, यानी 25 पी अपॉन 45 क्यू बराबर किसके, 25/51, 25 से 25 कटा, 3 15 3 17 15 ऊपर जाएगा, 15/17। मैं चाहूँगा बस आप ये करो, और ये अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी, हमारी टीम के साथ अंडरस्टैंडिंग आएगी आपकी, समझ रहे हो। ये मैं बताऊँगा आपको कैसे कहाँ पे क्या करना है, कुछ मत करना, सिर्फ पहले इस नंबर पे कॉल कर लो 951777, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं स्टूडेंट्स, क्लियर। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, और जल्दी ही नया बैच शुरू हो रहा है, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। बट पहले आपको जुड़ना पड़ेगा, इनरोल होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप जुड़िए मेरे साथ, सारी चीज़ें बता दूँगा आपको मैं एक एक करके, ठीक है। चलिए जो फ्रेश बैच की स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा हूँ, उसकी डिटेल्स मेरे स्क्रीन पर हैं, ठीक है। तो टारगेट सीसेट 2025, जैसे 2024 में धमाका किए हमने, 2025 उससे भी अच्छा करेंगे, वादा करता हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट कराऊंगा, जैसे पूरा पिछले साल हमने किया है इस साल भी करेंगे। क्या करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बहुत धमाकेदार तरीके से करेंगे बैच में, क्लियर। और जो बच्चे कर चुके हैं उन्हें तो पता ही है, ठीक है। चंडीगढ़ ब्रांच का एड्रेस है हमारा, प्लॉट नंबर 7, ग्राउंड फ्लोर पंजाब के सिरी बिल्डिंग सेक्टर 25, और मोहाली की बात करें प्लॉट नंबर 126, बिल्डिंग नंबर 2, फोर्थ फ्लोर, फेस 8, इंडस्ट्रियल एरिया मोहाली। कहीं भी विजिट कर सकते हैं जहाँ आपको ठीक लगे। एडवांस मोटिवेटेड मेथड के थ्रू हम करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को अभी दिखाया कि क्या तो आप बुक में करेंगे, क्या हम करवाते हैं, तो मैं डिफरेंस करके करवा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करवाता, क्लियर। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, इस ग्रुप में सारी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी रिगार्डिंग द बैच। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। और जो मैंने कंपेरिजन वाली बात की थी ना कि सी सेट में कितने क्वेश्चन आए, कितने हमारी किस बुक्स में से आए, मतलब नोट्स में से आए, उस वीडियो को लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा रहा हूँ, वो जरूर देखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।